दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। काफ़ी सारे न्यूज़ अपडेट की बात है आज फिर से इस वीडियो में हम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहां पर मिल रही हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन उसे दबाकर उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल के आ रही है VLC प्लेयर की तरफ से, जो कि एंड्रॉयड के ऊपर काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था। 3 बिलियन डाउनलोड जो है कंप्लीट हो चुके हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर VLC के, तो इसी खुशी में जो है एयर प्ले शुरू करने वाला है VLC। देखना यह है एयर प्ले के अंदर क्या क्या यहाँ पर नई सुविधाएँ देता है और क्या क्या नए फंडे लेके आता है VLC। एलन मस्क ने भी जो है शो ऑफ किया है यहाँ पर अपना एक स्पेस एक्स का स्टारशिप था, उसे एक छोटा व्हीकल बनाकर यहाँ पर टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया है और लोग उसे देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मतलब देखकर बता रहे हैं कुछ से हटके जो है कमाल किया, और स्टारशिप को जो है नासा की परमिशन भी मिल गई है। स्टारशिप बनाया है फ्यूचर में ट्रेवलिंग के लिए, मतलब यहाँ से दूसरी दुनिया में ट्रेवल करने के लिए स्पेस एक्स ने जो है स्टारशिप बनाया था। अभी इसकी काफ़ी सारी टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। Xiaomi ने भी जो है MIUI 11 का खुलासा किया है, एक नया और अलग हटके यूनिक UI यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो में दे रहा हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं क्या क्या और इसमें कर दिया है Xiaomi ने। सैमसंग ने भी यहाँ पर कंफर्म किया है सैमसंग गैलेक्सी S10 जो है वो जल्दी लॉन्च होगा। साथ ही जो सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन है गैलेक्सी X नाम से या फिर फ्लेक्सी जो भी नाम है वो भी लॉन्च होगा, तो February 20 को ये दोनों लॉन्च हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नोकिया 6.2 भी जो है स्नैपड्रैगन 632 के साथ आएगा, और इसमें जो है होल वाला कैमरा होने वाला, मतलब इसमें भी डिस्प्ले के अंदर होल दिया जाएगा। तो नोकिया भी उसी लाइन में आ गया है, 8.1 के अंदर भी यही कर रहा है, और जो भी सीरीज निकल के आएंगी होल पंच होल ये होल वो होल कुछ ना कुछ होल के अंदर ही कैमरा यहाँ पर देने वाले हैं। और Redmi का जो Note 7 Pro है वो Sony का IMX586 है, जो कि फ्लैगशिप लेटेस्ट सेंसर है उसका यूज़ कर रहा है कैमरा के अंदर। तो जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है वो है Sony का IMX586 सेंसर। तो ये जो सेंसर है Sony का, ये दुनिया में काफ़ी प्रबल है स्मार्टफोन्स के कैमरा सेंसर के लिए, तो यहाँ पर यही दिया गया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया काम किया है Xiaomi ने ये वाला सेंसर यूज करके। सैमसंग गैलेक्सी का जो S10 5C है और गैलेक्सी फोल्ड है, इन दोनों की बैटरी कैपेसिटी का थोड़ा बहुत खुलासा हुआ, कुछ लीक निकल के आई है। सैमसंग गैलेक्सी S10 5C के अंदर 5000 mAh की बैटरी बताई गई है, वहीं पर जो फोल्ड है उसके अंदर 3100 mAh की बैटरी, 3100 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सैमसंग गैलेक्सी का जो M20 है वो भी लिस्ट हुआ है कि इंडिया की सपोर्टेड वेबसाइट के ऊपर, तो लगता है ऑफिशियल लॉन्च जो है इसी महीने के अंत तक हो जाएगा या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में हो जाएगा, लगभग यही लग रहा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। और गूगल का जो पिक्सल की लॉक स्क्रीन की जो व्यवस्था है किस प्रकार से क्या होता है, अपना एक डिज़ाइन है उसका, वो सभी के लिए कुछ दिन में जो है अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं सभी को देने वाला है गूगल पिक्सल का लॉक स्क्रीन, देखते हैं किन किन को मिलता है। नेक्स्ट है होनर व्यू 20, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है January 15 से, मतलब 4 दिन बाकी हैं। तो व्यू 20 काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये वाला फ़ोन आप ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक बढ़िया बेटर बजट स्मार्टफोन के अंदर ये भी निकल के आता है, देख लेना चाहिए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर सैमसंग एक्सीडेंटली जो है यहाँ पर लीक कर दी है गैलेक्सी S10 की एक फ़ोटो, जो कि ओरिजिनल फ़ोटो है और होल के अंदर कैमरा यहाँ पर दिखाया गया है। अभी आप फोटो में देख पा रहे हैं ये वो फ़ोटो, ऑफिशियल लॉन्च तो अभी टाइम है February 20 को यहाँ पर होने वाला, उससे पहले जो है फ़ोटो निकल के आ गई है। तो देखने में लग रहा है कि काफ़ी अलग हटके एक यूनिक डिज़ाइन का यूज़ किया है सैमसंग ने गैलेक्सी S10 के अंदर। कैनन ने भी यहाँ पर कंफर्म किया है कि जल्दी ही हम जो है 8K फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा बना रहे हैं, जो कि 8K के अंदर कैप्चर कर पाएंगे फोटोज वीडियोज, काफ़ी बढ़िया सी क्वालिटी हो जाएगी। 8K टीवी वगैरह आ चुके हैं, सैमसंग भी जो है CES 2019 में 8K टीवी का खुलासा कर चुका, और जल्दी 8K आ जाएंगे, फिर 16K की बारी आएगी। इस प्रकार से कैमरा क्वालिटी भी चाहिए, वरना उनमें हम चलाएंगे क्या। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया न्यूज़ अपडेट्स, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, कोई सवाल कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक लीजिए जय हिंद और वंदे मातरम।